देखे मंदिर इधर इधर दिखाना, साफ क्या कर रही, पता नहीं क्या क्या ला रखी भाई वो, पहले उसने मुंह रगड़ा। मंदिर का कपाट जो है वो खुलता है साल में एक बार, आज तक नहीं गया भाई मैं इतने बड़े ग्रुप में, और ना ही कभी जाऊंगा जिंदगी में। मर्द ने भी क्या करना है, अपने स्त्री से कभी झगड़ा मत करो। हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है कि व्लॉग की शुरुआत मेरी पहले ही हो चुकी थी, जो आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरे से गलती से डिलीट हो गया, तो ये मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ 3-4 दिन बाद शूट। तो मिलते हैं फिर आगे व्लॉग में, इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और व्लॉग को पूरा देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिस लोकेशन पर मैं गया हूँ और जहाँ हम गए हैं ना भाई, इतनी पीसफुल प्लेस है ना, और अभी बता रहा हूँ कि अगर कोई विजिट करना चाहे ना तो कर सकता है भाई, बहुत ही जेन्युइन जगह है, बस कूड़ा करकट ना करें। तो आओ भाई व्लॉग की स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। ये लो भाई, अब दिखाता हूँ तुम्हें, भीड़ रेडी हो गया, मैं मिनट में, अब देखो तुम, ये हो जा रही पलटन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ। ये देखिए मम्मी को देखिए, आ गया आ गया। लो भाई हम तो घुस गए एक गाड़ी में, बाकी कईयों को सीटें नहीं मिल रही, क्या है ये रहे, ये देखो यहाँ बैठे हुए हम लोग, हम कह रहे हैं हमें छत में बैठा दो, सीट हो जाएगी 3-4, माने नहीं रहे। लो जी भाई, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के पास, यहाँ से 1 किलोमीटर और है, और मैंने अभी स्टार्टिंग से बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में मैंने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि हम घिचपिच करके बैठ रखे थे, और बार बार मेरा फ़ोन निकालने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत सिनेमेटिक दिखाए थे। और अभी हम बताऊँ कहाँ पे हैं, यहाँ स्वागतम वाण भाई, हम हैं वाण गाँव में, जो कि मौसम आप लोगों ने सुना होगा, और जिसने नहीं सुना तो उसको मैं बता दूं, मोटा मोटा बता देता हूं, यहां पे है बहुत ही फेमस लाटू देवता का मंदिर, जो कि यहां से 1 किलोमीटर ऊपर है, और वहां की डिटेल भी बताएंगे आपको। फिलहाल अंगड़ाई लेते हैं ज़रा, देखो यहां से देवाल, थराली और कर्णप्रयाग, और यहां से व्यू चेक करो यार, क्या प्यारा नहीं है, इतनी मस्त ठंडी 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 हवा चल रही ना, क्या बताऊँ मैं, जेन्युइन मजा आ रहा है। ये देखो यहाँ पे कितना दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ये व्यू है, कहीं कोई किलस तो नहीं रहा यार, कितनी मस्त जगह घूम रहा, और हम यहाँ गर्मी में, मजा आ रहा, मजा आ रहा। लो भाई फाइनली पहुंच गए हम स्पॉट पे, और अब यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा ऊपर तक, और ये है यहाँ पे का मेन द्वार, लेट्स गो, अब चलते हैं असम पे। ये देखो ये पूरी अपनी पलटन जा रही है आगे, हाँ भाई गाइस मेरे को ज्यादा ले लो भाई, ये है मेन द्वार लाटू देवता मंदिर वाण, ये देखो पूरा अब ऊपर जाएंगे आराम से। सो गाइज वहाँ चल रहा है फोटोशूट, और मैं अभी आ रखा था इस तरफ, यहाँ पे का व्यू चेक करो यार, इतना प्यारा है कसम से, क्या सुकून है इधर, और यहाँ पे से मे बी ये ट्रैक है, अब मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, पर
मे भी बेदनी बुग्याल का है क्योंकि यहाँ पे से लोग जा रहे हैं इधर के लिए। अब मेरे को कंफर्म नहीं पता, ठीक है, बता रहा हूँ मैं बस अभी। और देखो वेट कर रहे हैं मेरा कि फोटो खींचूंगा मैं, ऐसा लूंगा सबसे देखना अभी। लो भाई मंदिर की थोड़ी सी डिटेल ले लो, बाकी मैं भी बताऊंगा आगे, मैं भी लास्ट में बता दूंगा, पर फिलहाल तुम ये देखो। तो भाई जैसा कि आपको पता ही होगा उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बात रहती है, मतलब हिस्ट्री जो कहें कि कुछ ना कुछ उस मंदिर के लिए कोई ना कुछ हिस्ट्री रहती है उस मंदिर की। तो वैसे ही लाटू देवता मंदिर की भी एक हिस्ट्री है यहाँ पे। वैसे कहानी तो वो काफ़ी लंबी है, पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे जो है मेन ये है कि जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी अंदर मेन मंदिर में नहीं जा सकता, क्योंकि मतलब माना जाता है कि यहाँ पे लाटू देवता विशाल सांप के रूप में एक कैद खाने में कैद है। यहाँ पे जो बस जो मेन पुजारी है वो ही अंदर जाते हैं, वो भी अपने आँख और मुँह पर पट्टी लगा के, ताकि मतलब उन्हें दिखे भी ना सामने, और जो सांप के जो विष है ना तो वो बहुत जहरीला होता है, तो मतलब उनके मुंह पे उसकी स्मेल तक भी नहीं जानी चाहिए, वरना आप समझ सकते हो सांप का जहर कैसा होता है। और दूसरा आंखों पे पट्टी इसलिए भी लगाते हैं, माना जाता है अगर आप बिना पट्टी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, बताया जाता है कि अगर आप बिना पट्टी के जाओगे तो भाई आप अंधे हो जाओगे, तो इसलिए मंदिर के अंदर कोई प्रवेश ही नहीं करता है, बस जो मेन पुजारी है वो हो जाते हैं। तो ऐसी यहाँ पे की ये वाली एक हिस्ट्री है, और अभी और भी बहुत चीज़ें हैं, बताता हूँ धीरे धीरे। लो भाई हमारे मामा जी से मिल लो स्पेशल डिमांड पे, मामा जी ने कहा कि हमें भी ले ले व्लॉग में। तो ये रहे मामा जी, और बाकी और भी हैं सारे के सारे, मामा मामी भैया भाभी सब इधर ही हैं। और बाकी ये आपका मेन मंदिर, अब यहाँ पे के सिनेमैटिक दिखाता हूँ। लो भाई अब मामियों की डिमांड भी है कि मामियों को भी ले लो व्लॉग में, ये रही अपनी तीन मामियाँ और मम्मी। एक मेरी मम्मी है, एक हटियो फ्रेम सेट। गाइस वो सामने देख रहे हो, ये है मंदिर, ठीक है, छोटा सा पुराना टाइप, पुराने जमाने में जब घर होता था ना उस टाइप का। और ये पेड़ देखो इतनी मोटा तना है ना इसका, इतना मोटा तना भाई, देखो ये रहा सारे ऐसे। और यहाँ पे अब हम जाएंगे पूजा करने, और वहाँ अंदर जाना मना है। वो सामने देख रहे हो ये यहाँ पे होती है भाई पूजा, और ये रहा गेट, वहाँ पे लगाया ताला, वो पहनने धोती, और ये यहाँ पे पुजारी। तब मर्द ने भी क्या करना है, अपने स्त्री से कभी झगड़ा मत करो, कभी ज्यादा गलत मत बोलो, स्त्री से जो है सबसे ज्यादा घर स्त्री से बना है, मतलब बाहर से दर्शन कर लो लगे जाएगी। ना मैं लगा रहा हूँ उस पर, वो तो भक्त है, देख रहा हूँ मैं कैमरा भी, अभी तो खूब लीप हो रहे नहीं, चंदन भगवान की है, चंदन हमारी तोड़ क्या है। लो भाई वहाँ से हम पूजा करके आ गए, बाकी आधी फैमिली यहाँ बैठी हुई, और बाकी इधर बन रहा है रोड प्रसाद वगैरह, वो दिखाता हूँ मैं आपको जरा सा, आ जाओ एक झलक। ये बन रहा है यहाँ पे रोड प्रसाद, ये वो बन रहा है रोड पूजा, हाँ रोड प्रसाद चूरमा बना बना लाटू देवता की पूजा की मैं आ रखे हैं, और प्रसाद की पूजा हो रही है। अभी जो है हमारे मामा जी जो है रोड बना रहे हैं, और छोटा भाई गोले बना रहा है, घी का बोल क्या है, घी का है, और उधर चूरमा बना दिया है, चाय पी दी है चूरमा ये रहा। लो भाई अभी हमें नाश्ता पानी कर लिया, ऊपर भी पूजा मतलब खत्म हो ही गई लगभग, अब जाते हैं वापस, वो नीचे वहाँ पे बैठ जाते हैं। अरे देखो वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, वो देखो भाई वो सामने है मंदिर, और हम वहाँ से नीचे आके, और ये यहाँ पे रील वगैरह बना रहे, और यहाँ पे बैठ रखे, और वो सामने उनका एक ट्रैक जा रहा है, कोई इधर ही का ट्रैक करने जा रही है। आज तक नहीं गया भाई मैं इतने बड़े ग्रुप में, और ना ही कभी जाऊँगा ज़िंदगी में, ना भाई ग्रुप अच्छा लगता है, तीन जन चार जन ज़्यादा से ज़्यादा पाँच, और उससे ज़्यादा सात बस, पर भाई साहब ये तो पूरा जिला जा रहा भाई साहब, ना इतना बड़ा ग्रुप लेके कभी ट्रैक नहीं करना जिंदगी में, तौबा, सीधा नाव हो जाएगी। जैसे ट्रैक के लिए बोला पहले हाँ, फिर मौसम कितने बंदे कह रहा 20, मैं नहीं आ रहा, हम जाएंगे चार बंदे या पांच बंदे बस,
वो देखो आधे यहाँ पहुंच रहे हैं, अभी यहाँ पे आधे वहाँ चले गए, अभी ये यहाँ पे जा रहा है। ये गाइस यहाँ देखो हम यहाँ पे आ रखे मंदिर, इधर इधर दिखाना साफ क्या कर रही, पता नहीं क्या क्या ला रखी भाई वो, पहले उसने मुंह रगड़ा फिर उसके बाद मुंह पे कुछ सफेद सफेद लगा दिया। बाबा चीची यहाँ कौन सी धूप आ रही तेरे को, कहाँ काली हो रही वैसी ऑलरेडी काली। और वो वहां बन रही रील। ए बाबा एला भ्योल दीजिए। आओ भाई अब हम इंस्टा 360 पे शिफ्ट हो गए, अब इसके मजे लो। लो भाई एक सर्कल ये बैठा हुआ, सर्कल मन सारा छोड़ रखे वाला, और यहाँ पे पूजा चल रही है। पूजा दिखाऊं तुम्हें, एक झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पे चल रही है पूजा जो मेन जिसके लिए हम आए थे। ये देखो रोट वगैरह सब रखा हुआ। तो जी स्वागत है आप सभी का लाटू देवता जी के मंदिर में, जो कि पड़ता है देवाल ब्लॉक वाण गांव में, जो कि चमोली ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर करने का विचार इसलिए बना ताकि मैं आपको इस मंदिर की थोड़ी सी जानकारी दे सकूं, और जानकारी के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कहा जाता है कि जो लाटू देवता हैं वो माता पार्वती के धर्म भाई थे, और जब माता पार्वती और शिव जी की शादी हो रही थी तो उस टाइम पर जब बारात जा रही थी, तो उस समय जब लाटू देवता जी को जाते हुए पानी की प्यास लगी तो उन्होंने अपने सामने एक कुटिया देखी जहाँ पे से उन्होंने पानी पिया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि वो पानी नहीं वो मदिरा थी। तो जब उन्होंने वो पिया तो जब मदिरा का उन्हें नशा हुआ तो उसके बाद उन्होंने गांव में थोड़ा सा उथल पुथल मचाई, जिस कारण पार्वती माता को गुस्सा आया और उन्होंने लाटू देवता जी को श्राप दिया और वहीं पर मंदिर में कैद कर दिया। जो आप ये सामने मंदिर देख रहे हो तो इस मंदिर में उन्होंने उन्हें कैद कर दिया था, और वो इस मंदिर के अंदर एक विशाल काय सांप के रूप में हैं। तो अभी भी जब पुजारी इसके अंदर जाते हैं पूजा करने के लिए तो उस समय वो अपने नाक और मुंह पे पट्टी बांध के जाते हैं और अपनी नज़रों को एकदम सीधी रखते हैं, ना उन्हें दाएं देखना है ना उन्हें बाएं देखना है, वो सीधे सामने जाते हैं साफ़ सफाई करके, और उसके बाद वहाँ पे दिया जला के सीधा बाहर आ जाते हैं। और बाकी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती है, बस जो पुजारी हैं वहाँ पे के वो ही जा सकते हैं, वो भी बस साल में एक बार, और उनके अलावा कोई भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जी यही था इस मंदिर का एक छोटा सा इतिहास, और इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और करते हैं फिर इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू। जय श्री राम। तो भाई आपने पीछे सिनेमैटिक भी देख लिए होंगे मंदिर के, और यहाँ पे कि एक चीज़ बताता हूँ, एक तो यहाँ पे पूजा चल रही है अभी, और दूसरा जो पूजा होने के बाद जो यहाँ पे खाना बनता है ना, जो प्रॉपर मतलब जो खिलाते हैं, तो जो ये वाण गांव है ना, तो यहाँ के जो लोग हैं ना वो ही बनाते हैं और उनको ही खिलाना पड़ता है, और साथ में हम भी खाते हैं। मतलब अगर हम में से किसी को खाना पूरा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको पूरा खिलाना होता है, खाएं वहाँ के लोग, ठीक है ये होता है। और जो खाना बन रहा है वो अभी नीचे बन रहा है, मतलब ये देख रहे हो इसके नीचे की तरफ से, तो और बाकी पूजा चल रही है यहाँ ऊपर। तो यहाँ पे का ये वाला सीन है, और दूसरा यहाँ पे ये है कि जो मैंने बताया मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, और ये मंदिर का ना गेट जो है मतलब मंदिर का कपाट जो है वो खुलता है साल में एक बार मई के टाइम पे, मतलब पिछले महीने ही खुला होगा, तो एक ही दिन खुलता है। उस दिन साफ सफाई होती है, जो पंडित जी हैं वो जाते हैं वहाँ पे, मतलब अपना आँख मुँह पे पट्टी लगा के, और उसके बाद सफाई करके फिर बाहर आके फिर बंद हो जा, पूजा वगैरह करके फिर बंद हो जाता है। तो अभी बंद ही था वो, और बाकी तो हैं थोड़ी और डिटेल भी हैं, वो मैं सिनेमैटिक में सुन लिया बता दी मैंने जो भी थी बस। लो भाई यहाँ पे बन रहा है खाना, और अभी हम नाश्ता करने के लिए आए थे। बाकी ये देखो ये सारे इधर गांव वाले हैं, मतलब मिलजुल के कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरी बन रही है, मम्मी मामी लोग बना रहे हैं। ये रहे ये यहाँ को ये है भजाओ बड़ा वाला, यहाँ है पूरियाँ बड़े वाले भजाओ में पूरी पक रहा है। चलो भाई तो भाई आप यहाँ पे कर रहे हैं लंच, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर के लिए।
मेरे फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम रह गई, मतलब 10% रह गई, तो अब तो सीधा घर में ही मिलेंगे डायरेक्ट। और ये देखो सारे खा रहे, सारे ए टू जेड, मतलब गांव वाले भी और जो इधर पूजा थी जिनकी सबकी, अब इसके बाद हम भी खाते हैं। लो भाई अब इस प्यारी सी लोकेशन को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। औरत तेरी वो वाली मूवी की याद आ गई, एक हॉलीवुड की थी ना जिसमें काटता है वो सबको। सोच अगर उसने अचानक से इधर भाग के आ गया, सबको काटने लग गया। भाई तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, पूरा खानदान पीछे से आ रहा। घोड़े GoPro टर्न ऑफ, नहीं आया तो और ऑफ भी नहीं हुआ, ऑफ भी नहीं हुआ। लो भाई अब इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को भी एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ठाड़ा बाय बाय, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर, शेयर और कमेंट कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट साइकिलिंग ब्लॉग में, ऐसे पहाड़ों के ऊपर से दर्र दौड़ाते हुए ले जाऊंगा साइकिल, ठीक है। मिलते हैं फिर।